सैफर केस, संजीदा केस है तो शाखाना से भी अहम केस है। फॉरेन फंडिंग केस का तो अभी कुछ नहीं हुआ। सहाफी रेहम खान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत, कहा सर्वे रिपोर्ट्स पर एतबार नहीं किया जा सकता। सैफर केस के बारे में ऑफ कोर्स ये मेरे नज़दीक बड़ा सीरियस इशू है। एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के स्टेट सीक्रेट्स को एज ब्लैकमेल या एज अ बार्गेनिंग टूल कैसे यूज कर सकता है, दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मेरे नजदीक ये सबसे सीरियस केस था। बाकी तो आपको पता है इतने मेरे नजदीक वो केसेस नहीं है। ये फॉरेन फंडिंग वाला केस चूंकि ये डीप स्टेट के जो इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट करता है, और साइफर केस तो फॉरेन फंडिंग का तो कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे नजदीक तोशाखाना वाला केस, लोगों की अपनी ओपिनियन होती है, मेरे नजदीक साइफर केस वो सीरियस। मैं तो सर्वेज जैसे भी कराए जाते हैं और जिस तरह भी कराए जाते हैं, जब पीटीआई कराती थी तो तब भी मैं उसका यकीन नहीं करती थी कि जब से बिलावल भुट्टो साहब को हमने पार्लियामेंट में देखा है या जलसे जुलूसों में देखा है, और जब से वो अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन खैबर पख्तूनख्वा में भी उनको बहुत पसंद करती है, और पंजाब में भी आपने देखा है NA 127 में लोग उनकी बातों को बड़ा पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।